मैडम एक फोन बेच रहा हूँ, चाहिए क्या? नहीं भैया मुझे कोई फोन नहीं चाहिए। देख लो मैडम आईफोन है, 1 लाख रुपए का था, 10,000 में दे दूंगा। 10,000? कोई दिक्कत है क्या इसमें? अरे नहीं नहीं मैडम कोई दिक्कत नहीं है, मेरा आईफोन है और 3 महीने से इस्तेमाल भी कर रहा हूँ, बस कुछ पैसों की जरूरत है इसलिए बेचना पड़ रहा है। यार डील तो बुरी नहीं है। अरे मैडम क्या सोच रही हो, लेना हो तो बताओ, नहीं तो मेरे पास और भी कस्टमर है, मैं किसी को भी बेच दूंगा। नहीं भैया लेना तो है, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे पास इतने पैसे हैं कि नहीं। एक सेकंड रुकिए मैं चेक करती हूँ। भैया मेरे पास तो सिर्फ 4,000 रुपए हैं। 4,000? 4,000 में आईफोन मिलेगा क्या? मेरे पास यही है, अब आप देख लीजिए। मैडम 4,000 में तो एंड्रॉइड भी नहीं मिलेगा। एक काम करो आप मुझे 4,000 रुपए दे दो और अपना एंड्रॉइड फोन दे दो। अरे मैडम सोच क्या रही हो? अच्छा ठीक है लीजिए ये लो फोन। अरे मैडम एक मिनट फोन देना, जरा अपना सिम तो निकाल लूं। अरे पुलिस मैडम। मैडम क्या हुआ? भैया वो एक आदमी मेरा फोन और मेरे पैसे चोरी करके ले गया। अरे नहीं नहीं मैडम आप परेशान मत होइए, बगल में पुलिस चौकी है, आप वहाँ चलिए आपका फोन मिल जाएगा। पुलिस चौकी? अब नहीं नहीं भैया पुलिस चौकी रहने दीजिए, वैसे भी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अब मैं खुद देख लूंगी अपना। रुकिए मैडम मेरा एक दोस्त पुलिस में, मैं उसको कॉल करता हूँ, शायद आपका फोन मिल जाए। अब नहीं 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 पुलिस को फोन मत करिए, और वैसे भी मुझे कोई पुलिस का चक्कर नहीं चाहिए, और आप जाइए मैं अपने हिसाब से देख लूंगी। ठीक है मैम जैसी आपकी मर्जी। अब मैं इसको कैसे बताऊं कि मेरा फोन तो खुद ही चोरी का था। अरे ये लड़का कहाँ चला गया, अभी तो बैठा था यहाँ पे, अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं। वो बैठा, वो बेचारा अपना अभी फोन ही ढूंढ रहा है, चलो मैं उसका फोन दे देता हूँ, खुश हो जाएगा। अरे भैया ये रहा आपका फोन। मेरा फोन? पर भैया ये आपके पास कैसे आया, मुझे तो लगा खो गया। भैया आपका फोन खोया नहीं था, आपका फोन चोरी हुआ था। चोरी हुआ था मतलब? मैं आपको बताता हूँ। ठीक है मम्मी मैं अभी बात करता हूँ। और भाई क्या हाल चाल? ठीक है भैया जी। शायद भैया आपने मुझे पहचाना नहीं, आपको याद होगा 2 दिन पहले मेरी पर्स खो गई थी, तो आपने ही उसमें मेरी मदद की थी। अच्छा अच्छा याद आया भैया, और सब बढ़िया भैया? बढ़िया, ये लो भैया। अरे भैया वो देखिए, ये लड़की तो फोन चुरा रही है, मुझे कुछ करना होगा। भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा फोन वापस कर दिया, मैं बहुत परेशान हो गया था कि मेरा फोन कहाँ चला गया, पता है मैंने बहुत मेहनत करके ये फोन लिया था। हाँ भैया मुझे पता है कि पैसे कितनी मेहनत से आते हैं, लेकिन आगे से आप ध्यान रखिएगा, ऐसी हरकत दोबारा ना हो आपसे। ठीक है भैया मैं आगे से ध्यान रखूंगा, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो भैया। अरे भैया इतने सारे पैसे? हाँ तुमने उस इंसान की मदद की तो समझ लो ऊपर वाले ने तुम्हारी मदद की। शुक्रिया भैया।